आइजोन मॉल, आइकॉनिक टावर, दरगाह रोड, परभणी। अर्जेंट रिक्वायर्ड सेल्स पर्सन, मेल या फीमेल, 12 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास। काम का तजुर्बा 3 साल। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल, 3 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। इन्वेंटरी ऑपरेटर, मेल या फीमेल, 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। 7 गारमेंट शॉप या मॉल का तजुर्बा जरूरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिज्यूम इस मेल आईडी पर भेजे gc4jobs@gmail.com। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या डिटेल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8600625627। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी जिले के परभणी विधानसभा मतदारसंघ के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से सैयद समी माजूलाला, जो परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर रह चुके और उसी के साथ में सैयद समी माजूलाला परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता भी रह चुके हैं, जिनका आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से श्रद्धेय प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने परभणी विधानसभा मतदारसंघ के लिए जैसे ही टिकट फाइनल किया है उसके बाद में परभणी शहर के प्रभाग नंबर 13 संजय गांधी नगर, यहां पर पूरी तरह से गफार खान और इनके मित्र मंडल की जानिब से सैयद समी माजूलाला इनका भव्य ऐसा जंगी स्वागत किया है गया है। उससे पहले पटाखों की आतिशबाजी भी की गई है। संजय गांधी नगर में फा कॉर्नर से सैयद समी माजूलाला इनका पैदल जो है पैदल मिरोनिक सैयद समी माजूलाला इनकी निकाली गई है, जिसके चलते यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यहाँ सैयद समी माजूलाला डोर टू डोर हर व्यक्ति से हर मतदाता से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद समी माजूलाला ने जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका में काम किया है उसी के चलते सैयद समी माजूलाला इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश जी अम्बेडकर साहब इनकी जानिब से वंचित बहुजन आघाड़ी का परभणी विधानसभा मतदार संघ का टिकट फाइनल किया गया है। और बच्चे पार्टी जिस तरह से सैयद समी माजूलाला इन्हें इनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये विशेष बात आपको बता रहे हैं कि सैयद समी माजूलाला इनके बड़े भाई सज्जू भाई भी जिस तरह से बच्चों से प्यार करते थे, हमदर्दी करते थे और बच्चों के साथ में शफ़क़त का मामला उनका था, वही नेचर सैयद समी माजूलाला इनका भी है। और जिस तरह से आपको ये वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे भी सैयद समी माजूलाला इनसे मुलाकात कर रहे हैं, गफ्फार खान और इनके मित्र मंडल की जानिब से सैयद समी माजूलाला इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया गया और उसके बाद में पैदल रैली संजय गांधी नगर की गलियों से निकाली गई है, जहां पर मतदाताओं से मुलाकात सैयद समी माजूलाला ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में सैयद समी माजूलाला इन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की और तमामी लोग यहां पर ये बता रहे हैं कि हमें सैयद समी माजूलाला इनके वंचित बहुजन आघाड़ी के सिंबल पर गैस सिलेंडर पर ही आने वाले 20 नवंबर 2024 को अपना मतदान करना है, ऐसा भी यहाँ के लोग बता रहे हैं। जिन लोगों से हमने मुलाकात ली, जिन लोगों से हमने बात की है, उन तमाम लोगों ने यही बात क्लियरली बताई है। सबसे पहले तो जिस तरह से आतिशबाजी की गई है सैयद समी माजूलाला इनके यहाँ पर आगमन के बाद में संजय गांधी नगर में, जिस बच्चे के सर पर सैयद समी माजूलाला इन्होंने हाथ रखा है उसकी खुशियाँ जिस तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से उसके चेहरे पर खुशियाँ नजर आ रही है और इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार भी यहाँ पर किया गया है फा कॉर्नर। यहाँ पर गफ्फार खान इनके और इनकी पूरी टीम की जानिब से सैयद समी माजूलाला इनका जिस तरह से भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया गया उसके बाद में परभणी शहर के संजय गांधी नगर की गलियों से सैयद समी माजूलाला इन्हें घुमाया गया है और इनसे मुलाकात भी तमाम लोगों ने यहाँ के मतदाताओं ने की है और तमाम लोग आप ये सैकड़ों की भीड़ देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो मतदाता है सैयद समी माजूलाला इनके फेवर में वोट करने वाले हैं, इनके फेवर में मतदान करने वाले ये तमाम वही लोग नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस पैदल रैली में लोग जब आए तब तमाम ही लोगों से सैयद समी माजूलाला इन्होंने मुलाकात की, जिस तरह से ये मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में सैयद समी माजूलाला ये अपना नाम निर्देशन फॉर्म वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से भरने वाले हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से श्रद्धेय बाला साहब प्रकाश जी अम्बेडकर साहब इन्होंने जिस तरह से सैयद समी माजूलाला इनका उन 10 लोगों के साथ में नाम लिया है जो महाराष्ट्र राज्य में पूरी तरह से 10 मुस्लिम लोगों का नाम सैयद समी माजूलाला इनके साथ में लिया गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की पहली लिस्ट में नांदेड़ के फारूक भाई इनका नाम लिया गया था नांदेड़ से वंचित बहुजन आघाड़ी के विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए और 10 लोगों का जो फॉर्म में नाम दिया गया था कि दूसरी लिस्ट श्रद्धेय बाला साहब प्रकाश जी अम्बेडकर साहब इनकी जानिब से वंचित बहुजन आघाड़ी की जो 10 लोगों की लिस्ट
डिक्लेयर की गई थी, जिसमें सैयसमी माजूलाला इनका भी वंचित बहुजन आघाड़ी परभणी विधानसभा मतदार संघ के लिए नाम लिया गया था और उसके बाद में इन्होंने अपना काम शुरू किया है और जिस तरह से इनका भव्य नागरिक सत्कार भी फा कॉर्नर यहां पर किया गया है गफ्फार खान और इनके पूरे मित्र मंडल की जानिब से, जिसके चलते सैयसमी माजूलाला इनका यहाँ पर जिस तरह से जुलूस निकाला गया है, इनकी पैदल रैली निकाली गई है, ये मतदान से पहले का मामला है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है परभणी विधानसभा मतदार संघ में, सैयसमी माजूलाला एक ही मुस्लिम लीडर जिसका यहाँ पर अल्पसंख्यक का एक ही लीडर है जिसके पीछे यहाँ की जनता जाने वाली है, ऐसा भी इस वक्त कहा जा रहा है। ये पूरी बातें हम आपको जो बता रहे हैं, ये तमाम बातें हमें इस भीड़ में से ही सुनने को मिली है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सैयसमी माजूलाला जिस तरह से यहाँ पर परभणी विधानसभा मतदार संघ के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सैयसमी माजूलाला इस बार अब की बार अगर सैयसमी माजूलाला इन्हें अगर चुनकर नहीं दिया गया तो इसके बाद में ऐसा मौका नहीं आने वाला है किसी मुस्लिम क़यादत के लिए और किसी मुस्लिम व्यक्ति को क़यादत करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से इस बार 2024 में माहौल बना हुआ है, 1 लाख के ऊपर यहाँ पर लगभग 1,52,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है और 1,52,000 मतदाताओं पर ही तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई है और मुस्लिम समाज के मतदान किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे इस कोशिश में तमाम ही पार्टियों के लोग लगे हुए, जितने भी मतदाता है इन मतदाताओं को लुभाने का काम भी तमाम ही पार्टियों के लोग कर रहे हैं और विरोधी पार्टियों के लोग जितने भी है ये तमाम लोग इस जद्दोजहद में हैं, इस कोशिश में हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पर खुला ना छोड़ा जाए, जबकि सैयसमी माजूलाला ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इनके पीछे की ये जो भीड़ है ये सैकड़ों की तादाद में हर जगह सैकड़ों की तादाद में जिस तरह से सैयसमी माजूलाला इनके साथ इनके कंधे को कंधा लगाकर मतदाता अल्टीमेटली खुद ब खुद आते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग सैयसमी माजूलाला इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और इनके हक में मतदान करने वाले हैं, ऐसे ही ये तमाम लोग इस रैली में नजर आ रहे हैं। हमेशा ही हर जगह यही बात देखने को मिल रही है सैयसमी माजूलाला इनके बारे में कि जहाँ पर भी सैयसमी माजूलाला ये पहुँचते हैं भीड़ अल्टीमेटली जम जाती है। ये सैयसमी माजूलाला इनमें खुदादाद सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई है और उसी का ये आप एक नज़ारा देख रहे हैं, छोटा सा नज़ारा परभणी शहर के संजय गांधी नगर के एरिए में गलियों में से जिस तरह से सैयसमी माजूलाला इनकी पैदल रैली निकाल ली गई है और पैदल रैली में जिस तरह से ये बच्चे तो साथ में हैं ही लेकिन बच्चों के अलावा नौजवान भी साथ में नज़र आ रहे हैं और सीनियर मतदाता भी सैयसमी माजूलाला इनके साथ में जो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम लोगों से जिस तरह से हस्त आंदोलन किया जा रहा है, तमाम लोगों से मुबारकबाद भी ली जा रही है और तमाम लोगों को चेहरा भी बताया जा रहा है सैयसमी माजूलाला का कि सैयसमी माजूलाला यही कैंडिडेट है जो वंचित बहुजन आघाड़ी से गैस सिलेंडर जिनकी निशानी रहने वाली है। आने वाले 20 नवंबर 2024 को सैयसमी माजूलाला इनके हक में मतदान करने का आह्वान भी इन तमाम लोगों की जानिब से किया जा रहा है और ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल एरिए में जिस तरह से जहाँ पर 1,52,000 मतदाता है मुस्लिम समाज के ख़ास तौर से और उनके जान पर ही हर व्यक्ति ये कोशिश में लगा हुआ है कि मुस्लिम मतदाताओं को किस तरह से लुभाया जाए और मुस्लिम मतदाताओं है कि सैयसमी माजूलाला इन्हीं के पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये खास बात और विशेष बात देखने को मिल रही है सैयसमी माजूलाला इनके रैली में भी और जनता में भी कि जनता भी किस तरह से सैयसमी माजूलाला इनसे तालमेल जमाए हुए और सैयसमी माजूलाला इनके हक में लोग जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। परभणी शहर के तमाम एरियों को जिस तरह से कवर कर रहे हैं सैयसमी माजूलाला ये रात में दिन में और दोपहर के टाइम पर भी सैयसमी माजूलाला हर एरिए में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और पैदल रैली भी यहाँ पर की जा रही है सैयसमी माजूलाला और इनके पदाधिकारियों की जानिब से, जिसमें सज्जूलाला मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे हैं और इन लोगों ने जिस तरह से काम किया है यही काम हम आपको बता रहे हैं। सैयसमी माजूलाला जिस तरह से यहाँ पर भीड़ को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और भीड़ के तमाम ही लोगों को जिस तरह से ये मुलाकात कर रहे हैं, ये भीड़ अल्टीमेटली जमी हुई है उस एरिया की ही भीड़ है जो संजय गांधी नगर का एरिया है। संजय गांधी नगर के तमाम लोगों से सैयसमी माजूलाला इनकी जो मुलाकात की जा रही है और मुलाकात तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ एक दूसरे से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ इस पैदल रैली में हैं वो लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम लोग एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं और सैयसमी माजूलाला इनकी जय घोषणा भी दी जा रही है, इन्हें हौसला भी दिया जा रहा है कि आपने आगे बढ़ना चाहिए और आपने ही विनर होना चाहिए। इस बार सैयसमी माजूलाला इन्हें
चलकर जो मौका आया है, इस मौके का फायदा भी तमाम मतदाता सैयद समी माजूलाला इनके हक में वोट डालकर करने वाले हैं और सैयद समी माजूलाला इन्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसी भी उम्मीद इन तमाम मतदाताओं की जानिब से लगाई जा रही है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते पैदल रैली सैयद समी माजूलाला ये हर एरिए में हर दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी शहर परभणी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से सैयद समी माजूलाला इन्होंने एक माहौल बनाकर रखा हुआ है और उस माहौल को पूरी तरह से जिंदा रखा हुआ है और हर वक्त हर पल सैयद समी माजूलाला परभणी विधानसभा मतदार संघ के हर एरिए में जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर घूमना तो एक बात है ही, लेकिन तमाम ही मतदाताओं से जो मुलाकात डोर टू डोर जाकर सैयद समी माजूलाला ये कर रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि प्रभाग नंबर 13 जो परभणी शहर महानगर पालिका का एरिया है, इन तमाम एरियों से जिस तरह से सैयद समी माजूलाला इनकी पैदल रैली निकाली जा रही है, ये मतदाता खुद ब खुद सैयद समी माजूलाला इनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका ओरिजिनल वॉइस हम आपको सुना रहे हैं, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद समी माजूलाला इनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने दी है और आह्वान भी इन्होंने किस तरह का किया है, खुद इन्हीं की जबानी कि ये लोग किस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ क्या ये सैयद समी माजूलाला इनके हक में नारे लगा रहे हैं, खुद इन्हीं की जबानी।
चलो चलो आगे चलो। बेटा फोटो में रेन मारो मारो चलो चलो तुम्हारे संजय गांधी नगर में आए क्या किस तरह से देखते हैं और वोट डालने का क्या प्लानिंग है? पूरा प्लान माजूलाला को डालने का है और माजूलाला पे हमारे को पूरा यकीन है कि हमारे गली का विकास को बराबर करेंगे और ऐसा खंबीर नेता हमारे को होना जरूरी है।
आज जो नहीं हुआ। यहाँ की जनता को किस तरह का आह्वान करेंगे कि आने वाले 20 नवंबर 2024 को जो मतदान डालने का है, किसको डालने का? माजू लाला के सिवा और किसी को नहीं डालने का है। क्यों? तो माजू लाला एक गली का विकास कर सकते हैं, हमारे पूरा एक ही दा है और माजू लाला के साथ हम कभी भी पीछे खड़े है। ये न्यूज कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्ता खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान परभनी, आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए, जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर ये डीपी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहां पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहां पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभनी, अगर आप परभनी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी एंगेजमेंट चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। नेबू पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी।